आजादी के अमृत महोत्सव पर आज कोटा शहर पुलिस ने शहर वासियों को बड़ी सौगात दी। कोटा पुलिस ने शहर के लगभग सभी थाना इलाकों से गुमशुदा हुए कुल 517 मोबाइलों को ट्रेस कर उनको बरामद किया और उन मोबाइलों को परिवारों तक पहुंचाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण जैन ने बताया कि इन गुमशुदा हुए मोबाइल की कीमत 77,55,000 रुपए आंकी गई है। इन गुमशुदा हुए मोबाइल में सबसे ज्यादा कुन्हाड़ी और गुमानपुरा थाना इलाके के शामिल हैं। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त को मनाया है। 75 साल हमारे देश की आजादी हो चुके हैं। निश्चित रूप से ये सभी के लिए हर्ष का विषय है। तो कोटा शहर पुलिस द्वारा भी इस आजादी के अमृत महोत्सव पर लोगों की काफी समय से जो मोबाइल खो गए थे और आज के जमाने में मोबाइल एक अनिवार्य आवश्यकता है। मोबाइल के बिना थोड़े समय में कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। वहां उनके गुम हुए मोबाइलों को आज लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये लोगों के मन में भी पुलिस के प्रति विश्वास जागृत करेगा और हम स्वयं को भी यह महसूस हो रहा है कि हमने आज वास्तव में एक अच्छा काम किया है। इसके लिए निश्चित रूप से जहां हमने शहर के थानों के 517 मोबाइल की कीमत लगभग 77,50,000 रुपये है, आज जनता को वापस उनके जो खोए हुए हैं मोबाइल लौटाए जा रहे हैं। और इनमें सबसे ज्यादा कुन्हाड़ी, गुमानपुरा, इन दो थानों से काफी बड़ी संख्या में मोबाइल गुम हुए थे और इनको आज वापस देते हुए निश्चित रूप से हमें पुलिस के प्रति लोगों का सहयोग मिलेगा और लोगों के मन में ये जागृत होगी कि पुलिस के यहाँ देर से सही लेकिन खोया हुआ मोबाइल अगर किसी अपराधी द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया है और उसको चालू करता है तो वापस मिलने की संभावना रहेगी। पुलिस ने बताया कि पिछले 3 सालों से शहर के लगभग सभी थानों में मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसको ट्रेस करने का काम शुरू कर दिया गया और 517 मोबाइल बरामद कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि कुन्हाड़ी से 120, गुमानपुरा से 70, जवाहर नगर से 50, नयापुरा से 50 मोबाइल बरामद किए गए। इसके अलावा अन्य थानों से भी गुमशुदा मोबाइल बरामद किए गए। कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।